नमस्कार दोस्तों दोस्तों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें जी हाँ इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीनेशन जो आपने करवाया है आपको अगर फर्स्ट डोज़ सेकंड डोज अगर लग चुकी है तो आप उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों मेरा नाम है जसवीर सिंह और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल टेक्निकल जस्सी आज मैं आपको मोबाइल के द्वारा सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा तो सबसे पहले हमें गूगल में जाना पड़ेगा गूगल में जाने के लिए हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है और उसके होम पेज में हमें चले जाना है होम पेज में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सर्च बार है सर्च बार आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ सर्च बार है सर्च बार में हमें टाइप करना पड़ेगा कोविन सी ओ डब्ल्यू और उसके बाद आई एन कोविन आप अगर सर्च करते हैं कोविन डॉट जी ओ वी ये नीचे ऑटोमेटिक से ले लेता है आप देख सकते हैं अगर नहीं लेता तो आपको डाल देना पड़ेगा कोविन government जी ओ वी डॉट इन ये इसकी साइट है ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने निकल कर सामने आ जाती है आप देख सकते हैं आप यहाँ अपना पंजीकरण बुक भी करवा सकते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूँगा ताकि नज़दीकी स्लॉट जो बनाए हुए हैं उनको आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ ये ऑप्शन दिया गया है बुक यूवर स्लॉट का यहाँ आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं और नीचे इसमें आएंगे तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं इसमें वैक्सीनेशन के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं हम सबसे नीचे हमें एक ऑप्शन जो मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पंजीकरण का ऑप्शन भी दिया गया है ऊपर की तरफ और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास देखने को मिलते हैं तो आप वो चेक कर लीजिए वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है और इसमें शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट जर्नल और वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट अगर कोई साइड इफेक्ट होता है उसकी आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ भारत चला रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसमें आप देख सकते हैं वितरित किए गए टिक्के इतने टिक्के जो हैं वो वितरित किए गए हैं और दो टिक्के लगवा चुके नागरिकों की संख्या हो चुकी है बेहतर पॉइंट पचानवे करोड़ प्लस और इनका प्रतिशत हो चुका है छिहत्तर पॉइंट चौहत्तर आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ इतना ये डाटा भारत सरकार ने जारी किया हुआ है और सबसे नीचे जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ आता है वो प्रमाण पत्र डाउनलोड करें क्योंकि हमें हमारा टीकाकरण हो चुका है तो हम प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें इसके ऊपर सबसे नीचे ये आपको मिलेगा तो आप इसके ऊपर एक बार से क्लिक कर देंगे एक बार जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया पेज निकल कर हमारे सामने आ जाता है ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है आपने टीका लगवाते समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ आपको डालना पड़ेगा वो जैसे ही आप डालते हैं और यहाँ ओ टी पी पाएँ ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ मारक करके ओ टी पी पाएँ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ अभी एक ओ आएगा मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर जैसे ही ओ आता है आगे की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ओ आ चुका है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे आप चाहो तो इसको वैसे भी डाल सकते हो देख के भी डाल सकते हो तो मैंने ये डाल दिया है और नीचे ऑप्शन आता है पुष्टि करें और आगे बढ़ें तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा का पूरा डाटा रेफरेंस आईडी और फोटो आईडी आधार कार्ड आईडी नंबर और जन्म का साल सीक्रेट कोड वो सब कुछ यहाँ आ चुका है और यहाँ जो पहला जो टिक्का है वो मुझे लगा दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल ऑनलाइन कर दी गई है ये सत्रह जनवरी 2022 को लगा दिया गया है डुलट एस में तीन से छः बजे के बीच में ये खुराक लगी है और अगली जो मुझे टीका लगना है वो तारीख तेईस चार दो हज़ार बाईस से लेकर इक्कीस पाँच दो हज़ार बाईस तक मुझे लगना है यहाँ सिटीज़न और रेफरेंस आईडी अपॉइंटमेंट डिटेल यहाँ सब कुछ दिया गया है आप देख सकते हैं और इसमें हम क्योंकि प्रमाण पत्र हमें डाउनलोड करना है तो इसके लिए हमें आप देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया गया है आप इसमें देख सकते हैं यहाँ एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है निकल कर शो सर्टिफिकेट का इसमें हम इसको देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं तो इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा डाउनलोड का लिंक आ जाता है तो ये जो डाउनलोड करें इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो चुका है ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ आ चुकी है और जिस भी नर्स ने आपको टिक्का लगाया उनका नाम भी आ चुका है और ये स्थान भी आ चुका है जहाँ जहाँ मुझे टीका लगा था और बेनिफेंसरी आईडी यूनिक हेल्थ आईडी आधार कार्ड नंबर भी इसमें आ चुका है सब कुछ डिटेल यहाँ आ चुकी है और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं जैसे सेंड ए कॉपी पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं आप फेसबुक पे मैस मैसेंजर पे और व्हाट्सअप पे ईमेल के थ्रू भी आप किसी को इसको भेज सकते हैं तो जैसे मैं ये फाइल सेव करना चाहता हूँ योर फाइल इज़ बींग अपलोडेड तो इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाके इसको मात्र दस रुपए में इसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं और इसकी लेमिनेशन करवा सकते हैं आगे जो कई विभागों में जैसे भर्तियां निकलती हैं वहाँ इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग के दौरान आपको ये दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है स्कूल में एडमिशन के समय भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप अगर जॉब करते हैं चाहे वो स्कूल हो चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो वहाँ इसको अनिवार्य कर दिया गया है आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट मोबाइल के माध्यम से अगर आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है नहीं तो आप सी सेंटर में जाके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको ऑनलाइन कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाया आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे जय हिंद जय भारत